हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 में अवेलेबल सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। तो यहाँ जो अपडेट है इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड इंस्टॉल भी कर दी है और यहाँ जो वीडियो है वो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो मेरी तबीयत वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सका था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में कि क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। जो लास्ट अपडेट थी जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है वो यहाँ आप देख सकते हो 13 अगस्त 2022 का दिया गया था और यहाँ जो सिक्योरिटी पैच अपडेट लिया गया है वो 1 जुलाई 2022 का है। और साथ ही जो साइज थी अपडेट की वो है अराउंड 250 MB की। तो हम यहाँ टैप करेंगे। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कब कब सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को अपडेट मिली थी। तो जैसे कि आप देख जो लास्ट अपडेट थी वो यहाँ अवेलेबल है। इससे पहले जो अपडेट दी गई थी वो 3 जून 2022 को दी गई थी और यहाँ जो सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया था वो 1 मई 2022 का था। तो यहाँ जो आप देख सकते हो सिक्योरिटी ऑफ ए डिवाइस हैज बीन इंप्रूव। इसमें ओनली आपकी जो सिक्योरिटी ऑफ ए डिवाइस वही इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शन इंप्रूवमेंट दिया गया है। तो यहाँ जो टोटली डिवाइस वो टोटली स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ जो कॉल क्वालिटी उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, यानी कि जो कॉल क्वालिटी पहले थी उससे बेटर हो गई है। तो यहाँ कुछ चेंजेस भी हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के ऑफिशियल एप्लीकेशन के अपडेटेड वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम फोन एप्लीकेशन में चलते हैं। तो फोन एप्लीकेशन में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था 11.5.20.8 था। तो यहाँ जो अपडेटेड वर्जन है वो 11.5.21.1 है, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के मैसेजेस एप्लीकेशन में। तो लास्ट अपडेटेड वर्जन था तो वो था 11.5.15.30। तो यहाँ जो अपडेटेड वर्जन वो 11.5.15.71 है, यानी कि इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन की। तो कैमरा एप्लीकेशन में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था 10.5.03.20 था। तो इसमें भी 10.5.03.20 है, यानी कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के गैलरी एप्लीकेशन की। तो गैलरी एप्लीकेशन में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था 11.5.10.2 था। तो इसमें भी 11.5.10.2 ही, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग की क्लॉक एप्लीकेशन की। तो क्लॉक एप्लीकेशन में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था तो वो था 12.1.10.7 था। तो इसमें भी 12.1.10.7 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के कैलेंडर एप्लीकेशन की। जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था तो वो था 11.6.07.0 था। तो इसमें भी 11.6.07.0 ही, यानी कि यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सैमसंग के माई फाइल्स की। तो माई फाइल्स में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था 11.5.07.71 था। तो यहाँ भी 11.5.07.71 ही, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं वॉइस रिकॉर्डर की। तो वॉइस रिकॉर्डर में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था तो वो था 21.3.55.60 था। तो इसमें भी 21.3.55.60 ही है, यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के गेम लॉन्चर की। तो गेम लॉन्चर में जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था 6.0.07.6। तो इसमें भी 6.0.07.6 ही है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब हम चेक कर लेते हैं सैमसंग के वन ईयर होम में कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। तो होम के लिए यहाँ आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना है। जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो था, आप चेक कर सकते हो, 11.5.07.57 था। उसके बाद यहाँ जो अपडेटेड वर्जन है वो है 11.5.07.59, यानी कि कुछ माइनर यहाँ फिक्स हुआ है और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ आप सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद एक और अपडेट आपको मिलेगी, वो है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में चेक करोगे तो गूगल प्ले सिस्टम के लिए यहाँ आपको अपडेट दी गई थी। तो मैंने चेक किया था, जैसे मैंने डिवाइस को अपडेट किया उसके बाद मैंने गूगल प्ले सिस्टम चेक किया तो उसमें अपडेट मिल चुकी थी। तो मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको अपडेट नहीं मिली तो आप वहाँ जाके भी चेक कर लेना कि वहाँ आपको अपडेट मिली या नहीं मिली। तो लेकिन सिक्योरिटी पैच अपडेट जो दिया गया वो 1 जुलाई 2022 का है। तो यहाँ जो टोटली डिवाइस वो मेरा स्मूथ हो चुका है, साथ ही जो एनिमेशन वो टोटली काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं वो आप देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।